तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों होम वाले फिल्म्स जो है वो सलार मूवी के चक्कर में पूरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि सलार की जो एडवांस बुकिंग में हिंदी की एडवांस बुकिंग में स्कैम किया जा रहा है वो अब दोस्तों एक्सपोज हो चुका है। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या है कि सलार मूवी का जो होम वाले फिल्म है, जो यहाँ इसका प्रोड्यूसर है, उसने पहले पोस्ट की थी कि 4 दिन में इसका कलेक्शन 500 करोड़ को टच कर चुका है। लेकिन जैसे ही पोस्ट के इसके स्कैम का पता चलता है कि पब्लिक इस मूवी को देखने नहीं जा रही है, लेकिन जो थिएटर है वो हमें पूरे के पूरे हाउसफुल दिखा रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट थिएटर में जाते हैं और दूसरे दिन की सुबह 6 बजे की, 6:15 बजे की, 7 बजे की शो की टिकट मांगते हैं, तब उनको बुक माय शो में पूरा थिएटर फुल दिखाया जाता है। लेकिन जब सुबह 6 बजे वो थिएटर जाते हैं तो वहां पर कोई भी पब्लिक मूवी देखने नहीं आई होती है। इससे यह साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी कॉर्पोरेट बुकिंग और स्कैम किया जा रहा है सलार मूवी की हिंदी के खिलाफ। अगर हम दोस्तों आपको डे बाय डे की हिंदी की एडवांस बुकिंग बताएं तो सलार की डे 5 की जो हिंदी की एडवांस बुकिंग थी वो मात्र 1.3 करोड़ की हुई थी, वो ओरिजिनल एडवांस बुकिंग थी। लेकिन जैसे ही डे 6 आता है पूरी की पूरी कॉर्पोरेट एडवांस बुकिंग हो जाती है और डे 6 में 3 गुना ज्यादा 1.3 करोड़ डे 5 की थी और डे 6 में 4.2 करोड़ की एडवांस बुकिंग हिंदी की 2D से हो जाती है, जो कि प्रॉपर वर्किंग डे होता है। और यहीं पर ये स्कैम रुकता नहीं है, डे 7 में इसकी एडवांस बुकिंग 6 करोड़ की हो जाती है सिर्फ हिंदी की 2D से, और डे 8 आते आते इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो 7 से 8 करोड़ की हिंदी में हो जाती है। अब दोस्तों वर्किंग डे में किसी भी मूवी के लिए इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग करना इम्पॉसिबल है, लेकिन सलार मूवी की एडवांस बुकिंग इसलिए बढ़ती जा रही है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोई है, क्योंकि होम वाले फिल्म्स ने तो मना कर दिया है कि हम ये स्कैम नहीं कर रहे हैं, हम इसकी एडवांस बुकिंग खुद से बुक नहीं कर रहे हैं, हम कॉर्पोरेट बुकिंग नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो फैंस होते हैं, जो बड़े बड़े क्लब होते हैं, जो एक साथ ग्रुप में मूवी देखना पसंद करते हैं, वो इन शोज को बुक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि थिएटर खाली पड़े हुए हैं लेकिन एडवांस बुकिंग बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों हिंदी की 2D में भरपूर एडवांस बुकिंग हो रही है, डेली 1 करोड़ का इजाफा हो रहा है और हिंदी की 2D से ही 7-8 करोड़ की डेली एडवांस बुकिंग होती जा रही है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या स्कैम का पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं, होम वाले फिल्म्स को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, जो इसकी हिंदी में इतनी ज्यादा कलेक्शन आ रही है वो घटकर ऑफिशियल कम की जानी चाहिए कि नहीं। आपको जो भी लगता है स्कैम से रिलेटेड हमें कमेंट में जरूर बताइए। और किसी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सलार जो एक इतनी बड़ी मूवी है, होम वाला फिल्म्स जो इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, वो इतना बड़ा एडवांस बुकिंग का स्कैम कर सकता है। अब आपको इस स्कैम से रिलेटेड जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर।